अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग लेके आए नई रेसिपी इकवच की। ये अरुई के पत्ते से बनाते हैं। आइए देखते हैं इसका सामान। ये देखिए बेसन है। बेसन में इसमें कोई भी नापना नहीं है, कुछ भी आप अपने अंदाज से ले सकते हैं, कितना आपको बनाना है, एक रोल दो रोल उसी हिसाब से। लहसुन अदरक और हल्दी नमक, और इसमें आम का अचार भी डाल सकते हैं और ड्राई मैंगो भी डाल सकते हैं आप। हम इसमें आम का अचार डाल रहे हैं। इसमें हरी मिर्ची है और चावल का आटा थोड़ा सा। ये अरुई का पत्ता है देखिए, और अरुई के पत्ते को जो हमने धुल के खूब उसको साफ कर लिया, कुछ देर रख दिया, उसके बाद इसकी जो है ये सारी नस कहते हैं, इसमें से ये हमने ऐसे करके सारा निकाल लिया है। इसे इस तरह करके सारी इसमें सारी पत्तियों में से ऐसे करके निकाल लेना है, उसके बाद ही इस्तेमाल करना है। हमने देखिए सारा निकाल के रखा था, आपको दिखाने के लिए एक हमने कर लिया है। इस तरह आप इस तरह निकाल लीजिएगा सारे पत्तियों में से, उसके बाद बनाते हैं। देखिए बेसन में मिलाने के लिए लहसुन अदरक और आम का अचार, हरी मिर्ची, इसको हम एक साथ पहले पीस लेते हैं करके। और लहसुन अदरक आप अपने अंदाज से डाल लीजिए, आपको कितना बनाना है। देखिए हमने इसमें दो तीन रोल बनाना है, तो हमने जो है दो लिया है। ये इसमें से लहसुन थोड़ा सा निकाल देंगे, अदरक हमने ये इतना लिया है। आप अपना जैसे जितना खाते हैं उसी अंदाज से डालिएगा। हरी मिर्ची इसमें ज़्यादा थोड़ी पड़ती है, क्योंकि तीखा थोड़ा अच्छा लगता है इसमें। हरी मिर्ची और आम का अचार आप अपने हिसाब डालिए। आम का अचार वैसे थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है, क्योंकि खट्टा चाहिए इसमें ना, खटाई इसमें रहेगा तभी, नहीं तो ये गला काटता है अरुई का पत्ता, इसलिए इसमें थोड़ा खटाई ज़्यादा ही पड़ता है इसमें। आइए इसको पीस के तब मिलते हैं। देखिए हमने ये पीस लिया है, ये पीस के अब इसमें हम बेसन में ये सब मिलाते हैं। ये नमक है, नमक आप अपने हिसाब से अंदाज से डालिएगा। हमने इसमें पीसने के लिए लहसुन ये मिर्चा जो हमने पीसा है इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, तो ये जल्दी पीस गया है इसलिए थोड़ा डाला था उसमें, थोड़ा इसमें भी डालेंगे हम। हल्दी, ये चावल का आटा है, हमने आधा डाला है अभी, आधा थोड़ा मिक्स करते हैं तब देखते हैं, मिक्स कर लेते हैं तब बताते हैं। देखिए ये हमने बेसन का और सारे मटेरियल जितने हमने लहसुन अदरक मिर्ची और आम का अचार वो सब पीस के बनाया था, वो सब इसको मिक्स करके देखिए इस तरह का पेस्ट बनाया हमने। पेस्ट हमने बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं है। ये देखिए इस तरह का पेस्ट है कि आप ऐसे पत्ते में लगाएंगे तो लग जाए, ऐसा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। अब इसको हम लोग रोल बनाने के लिए तैयारी कर लिए, अब बनाते हैं रोल। देखिए ये हमने पत्ता ले लिया है, ये पत्ते को हमको ऐसे बीच पहले नीचे सबसे पहले बड़ा पत्ता रखते हैं, तो हमको ऐसे रखना है इस पत्ते को, इस तरह करके ऐसे रख लेंगे। और जो ये अगल बगल से ये अगर ख़राब होगा तो उसको आप अच्छा फ्रेश करके तब रख लीजिएगा, अगर सही है तो फिर ऐसे, नहीं तो आप तोड़ के भी रख सकते हैं। ऐसे अगर तोड़ लेंगे तो कोई बात नहीं, रोल बन सकता है। ये सब निकाल दीजिए इधर से, और उसके ऊपर पेस्ट लगाते हैं। देखिए ऐसे पत्ता लगाने के बाद तो ऐसे पेस्ट से पूरा कवर कर देंगे पत्ते को। आप इसको बार बार ऐसे पूरा लगा के कवर करके उसके बाद पूरा दूसरा उसमें लगाना है। आप किसी चीज़ के ऊपर, थाली के ऊपर, किसी चीज़ बड़े बर्तन के ऊपर आप रख के इसको इस तरह लगा लीजिएगा पेस्ट। अब इसके बाद देखिए इसके पे छोटा पत्ता रखना है। अब इसके आपको जितना बड़ा रोल बनाना है उसी हिसाब से आप लगाती जाइएगा। अब इसके ऊपर देखिए हमने दूसरा पत्ता लगाया है, अब इसको भी हमें ऐसे पूरा लगा के कवर कर लेना है। पूरा पेस्ट इतना लगाइएगा कि पत्ते को जो है दिखे ना, कवर हो जाए पूरा पत्ता पेस्ट से। ऐसे ही आप दूसरा फिर पत्ता लगाते जाइएगा के ऊपर, ऐसे लगाते जाइएगा साइड साइड से कि मोटा ना हो एक साइड में। अगर बीच में मोटा हो जाएगा बहुत तो फिर रोल बनेगा नहीं, इसलिए आप ऐसा करिएगा कि बहुत ज़्यादा मोटा ना हो बीच में, नहीं तो रोल फिर करने में दिक्कत होगी। इसे लगाइए कि बराबर बराबर होता जाए। इसको भी हम कवर कर लेते हैं। देखिए अब इसमें हमने 6-7 पत्ते हमने लगा के ऐसे किया है, अब इसको हम रोल करते हैं। ये देखिए साइड से एकदम खाली एकदम टाइट टाइट करके करिएगा, बहुत ज़्यादा लूज ना रहे, लूज रहेगा तो फिर खुल जाएगा वो। फिर इधर से देखिए साइड से इसको ऐसे करते जाएंगे साइड से कि ये जो है खुले ना, इसको साइड से फोल्ड करते जाएंगे और ऐसे आगे से ये रोल करते जाएंगे। फिर इधर से भी साइड से ऐसे करेंगे, फोल्ड कर लेंगे इधर से भी, ऐसे लगाते जाएंगे। अगर आपको बेसन कम लगे तो फिर पेस्ट तो फिर ऐसे लगा दीजिएगा आप, ऐसे लगाते जाइएगा फोल्ड करके टाइट टाइट ऐसे करके रोल, ऐसे ऐसे फोल्ड करते जाएंगे, इसको रोल करते जाएंगे फोल्ड कर करके। ये साइड से आप ऐसे करते जाइएगा फोल्ड, तो कि बराबर रहे गोल, अच्छा नहीं लगेगा ना अगर खुला खुला रहेगा तो। ये ऐसे रोल करते जाइए टाइट टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करिएगा नहीं फट जाएगा, हल्के हाथ से ही करिएगा। अब इसको जो है इस साइड में देखिए ऐसे करके पेस्ट लगा के ऐसे पैक करना है, इसको ऐसे पूरा दबा दीजिएगा कि ये यहाँ से ही फिनिश लगे, ख़राब ना लगे। दोनों साइड से ऐसे ही कर दीजिएगा आप, इसको ऊपर भी ऐसे पेस्ट लगा दीजिएगा। तो चाकू से दो टुकड़े हम कर लेते हैं, टुकड़े हम कर लेते हैं कि जिसमें हमको स्टीम करना है, तो उसमें वो बहुत बड़ा नहीं है तो छोटा छोटा उसमें आ जाए। ये ऐसे करके स्टीम करने के लिए स्टीमर में रखते हैं।
और इसका हम रोल बना लेते हैं तैयार करके, उसके बाद दिखाते हैं आपको। कि हमने स्टीमर रख दिया है, ऑन कर दिया है और पानी गर्म हो रहा है। अब इसको हम रखते हैं, दूसरा वाला भी इसके ऊपर रखते हैं। अब इसमें देखिए हमने ये रोल करके रख दिया है, अब ये स्टीम होगा। इसको 30 मिनट पहले आपको करना है, उसके बाद आपको थोड़ा चेक करना है। अगर आपकी चाकू डालिए या कोई नोकीली चीज़, अगर आपने उसमें लिक्विड आता है बैटर लग के, तब तो नहीं हुआ, तब उसको और 10 मिनट रखिएगा। और नहीं क्लीन है उसको थोड़ी देर उसी में छोड़ दीजिएगा, उसके बाद ही रोल निकालिएगा। 30 मिनट बाद मिलते हैं। अब देखिए ये पूरा 30 मिनट स्टीम होने के बाद इसको हमने 1 घंटा ठंडा होने के लिए रखा है। फिर ये इस तरह देखिए ये तैयार हो गया है स्टीम होके पूरा। अब इसको हमने इसको कट करना है, इसको कट करके इस तरह कट कर लिया है। देखिए इसको स्लाइस में कट कर लिया है। अगर आपको इस तरह खाना है तो खा सकते हैं, नहीं तो इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं। इसको फ्राई करके भी अभी हम दिखाते हैं इसको। देखिए हमने ये फ्राई कर लिया है, डीप फ्राई किया है इसको हमने। आप उस तरह भी खा सकते हैं, आप स्टीम करे हो भी, आप डीप फ्राई करके भी खा सकते हैं इसको। आप इसको बनाइएगा, खाइएगा, उसके बाद हमको कमेंट करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक किए, देखने के बाद लाइक ज़रूर किया करिए, शेयर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए। अल्लाह हाफिज़।